हेलो फ्रेंड्स, थ्री डिजिट के नंबर्स का कैसे स्क्वायर निकाला जाता है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सपोज करो फॉर एग्जांपल 104 है आपके पास, इसका आपको निकालना है स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? पहले यूनिट डिजिट देखिए, 4 है, 4 का स्क्वायर करा कितना आया, 16 आया, लिख लिया। फिर 10 है, 10 का स्क्वायर करा कितना आया, 100 आया, लिख लिया 100। इतनी बात समझ में आई? अब 10 की मल्टीप्लाई करिए 4 से, तो कितना आ गया, 40। और 40 का अगर आप डबल करते हैं तो कितना आ गया, 80। बस ये 80 आपको लिखना है एक डिजिट न छोड़कर, यानी कुछ इस तरीके से आपको 80 लिख लेना है, ठीक है। अब ये 80 आपने लिख लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है 6, 1, 8, 0 और 1। इससे पहले मैंने टू डिजिट की का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने डिस्कस किया था, पार्ट फर्स्ट में, ये पार्ट सेकेंड है, तो वो भी देख सकते हैं आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। आगे यहाँ पर क्या है, 153 का स्क्वायर निकालना। जैसे सपोज करो रेंडम नंबर ले लिया हमने 153, इसका स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। कैसे लिखते हैं, 09 करके लिखते हैं। उसके बाद 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, लिख लिया 225। अब 15 की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 15 की मल्टीप्लाई 3 से करिए तो कितना आ गया, 45। इस 45 का कर दीजिए डबल तो कितना आ गया, 90। बस एक डिजिट छोड़कर इसको आप लिख देंगे तो 90 कुछ इस तरीके से लिख देंगे एक डिजिट छोड़कर। अब ऐड कर दीजिए, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 0, यहाँ कितना आ गया, 14, है ना। 2 और 1 3 और 2, 2 3 4 0 9, देखिए ये आंसर आ गया। कितना विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हैं इसको। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके लिए। देखिए रैंडम नंबर ले लिया हमने, सपोज करो 255। अब 255 का स्क्वायर निकालना कैसे, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, सबको पता है 25 होता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, सबको पता है 625। अगर नहीं पता है तो ये वाले याद करने पड़ेंगे आपको। 25 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, कितना आता है, 125 + 125 = 125। और इस 125 का डबल कर दीजिए, मतलब कितना हो गया, 250। ये 250 हमें क्या करना है, एक डिजिट छोड़कर लिख देना है कुछ इस तरीके से, और क्या कर देना है, ऐड कर देना है फ्रेंड्स। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 10, 2 2 4 और 1 5 6, 6 5 0 2 5। देखिए कितनी आसानी से आ गया, कोई सा भी आप थ्री डिजिट का नंबर ऐसे करके निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए, आप घर पे खूब प्रैक्टिस कीजिए इनकी और आपको आ जाएगा आसानी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और अच्छी शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करूंगा, अदर मेथड्स की और अदर शॉर्ट ट्रिक्स जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।